क्रिएटर भी जिसे फॉलो करता है उसे सुमित कहते हैं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो आज की एक बेहतरीन वीडियो आ चुकी है, धमाकेदार। मैं आप लोगों के लिए एक ह्यूज डिमांड के अनुसार आप लोगों के लिए एक पेन स्टॉक लेकर आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन पेन स्टॉक होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारी लर्निंग चीज़ें सीखने वाले हो इसी वीडियो के अंदर। होप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट टाइप ही मान लो, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एक स्टॉक निकाल कर लाया हूँ। पूरा वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये स्टॉक पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक बार आप लोग अपनी एनालिसिस भी ज़रूर करना। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ जान लो कि ये जो पेन स्टॉक है लगभग 10 से 11 रुपये के आसपास कर रहा है ट्रेड, और अभी अपर सर्किट के आसपास ही चल रहा है। बट इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट क्यों किया, बिकॉज इसका सेक्टर काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। बाकी एक बार अपनी एनालिसिस करें। दूसरा, वॉल्यूम इसमें बम्पर आ रहा है अभी, और इसने ऑल टाइम अपने सारे हाईस को क्रॉस कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे इसका प्लस पॉइंट लग रहा है। और हाँ, इंट्रो आप लोगों को कैसा बता मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इंट्रो कैसा लगा जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था। अभी आप लोग देख सकते हो इसके टारगेट, मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट इसके होने वाले हैं लगभग 12K, 15K, 20K। और हाँ, अगर लॉन्ग टर्म ये कंपनी अपने फंडामेंटल को ऐसे ही बरकरार रखती है ना, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते ये आने वाला एक मल्टीबैगर स्टॉक भी बन सकता है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, पेन स्टॉक हमेशा रिस्की होते हैं। ऐसे शेयर में आप सिर्फ अपने कैपिटल का 2 या 3% ही रिस्क लें, ज़्यादा मत लेना। भाई सुमित ने दिया है, आप लोग जानते हो सुमित सारे शॉर्ट शॉर्ट देता है। 5 वीडियो बनाई होंगी आज तक पेन स्टॉक के, 5 के 5 रॉकेट दिए थे सारे, जिनका रिटर्न बहुत ज़्यादा है, 300 से 500% का अभी चल रहा है। तो आप लोग जानते हो सुमित हमेशा धमाकेदार स्टॉक देता है, बेफालतू की और लोगों की तरह वीडियो नहीं बनाता। बट हर बार इस केस में सही नहीं हो सकता मैं, बट होता भी हूँ। कुछ भी कह लो, आप लोगों का प्यार है और मेरी मेहनत है। बट देखो, एक बार आप लोग अपनी एनालिसिस ज़रूर करना। अब आप लोग स्टॉक का नाम जान लो, क्योंकि आधे से आधा लोग देखो स्टॉक का नाम जानने आते हैं, उसे उसके पीछे का लॉजिक प्लस लर्निंग से कोई मतलब नहीं होता। तो चलो, आप लोगों को नाम भी बता दिया, आपके लिए लेकर आया हूँ BLB लिमिटेड। तो अभी ये स्टॉक क्या कर रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ, हाई तोड़ चुका है, फंडामेंटल भी बहुत अच्छा इसका बन रहा है कि मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा जाएगा। और आप इसका टारगेट नोट कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ, 14, 15, 18, 20, 40, और फ्यूचर में अगर अच्छा खासा गया 2-4 साल बाद तो मे भी 100 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अब चलते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल की तरफ, क्योंकि एक फंडामेंटल काफ़ी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसका बैकबोन देखो फंडामेंटली डिसाइड करता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ पेन स्टॉक के, बट जो भी बनाता हूँ सारे अपनी तरफ से बेस्ट या शॉर्ट शॉर्ट ही लेकर आता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ वीडियो बनाने आते हैं अपने कंटेंट को पैसा कमाने, उस चीज़ से उन्हें मतलब नहीं पब्लिक फंस जाए, ये हो जाए, 1000 वीडियो बनाएंगे 50 पेन स्टॉक चल जाएंगे, गुणगान करेंगे, 990, 950 फेल हो जाएंगे, उसके ऊपर नहीं बताएंगे वो लोग कभी भी। सुमित 5 के 10 वीडियो बनाएगा, 10 की 10 सही बनाता है, कभी भी आप लोग चैनल पर जाकर देख लेना बाकी। और अब बात करते हैं कंपनी वर्क क्या करती है। तो देखो, कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा वर्क है BLB का, कि कंपनी क्या है, वन ऑफ द लीडिंग लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर इंडिया में। तो देखो सीधा सा समझो, अभी इस कंपनी को इतने लोग नहीं जानते, बट बोल सकते हो ये लोग अपने आप को देखो लीडिंग लिक्विडिटी प्रोवाइडर बता रहे हैं मार्केट के अंदर। और देखो, स्टॉक मार्केट ऐसा तो है नहीं हमारा सेक्टर आज अभी रहने वाला है, भाई इन फ्यूचर देखो बहुत अच्छा रेशो आने वाला है। आप लोग भी जानते हो जैसे सोलर का बिजनेस फैलने वाला है, सेम इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी सारे पब्लिक आएगी, डीमैट अकाउंट भी ओपन करेगी, और हमारे जितने भी ब्रोकर्स के शेयर हैं आप लोग जानते हो बहुत दबा के फट रहे हैं। तो कभी भी किसी ऑपरेटर की अगर इस पर तिरछी नज़र पड़ गई ना, तिरछी कह लो या अच्छी कह लो, तो ये स्टॉक हाथ में नहीं आने का किसी के भी। और अगर कंपनी अपने फंडामेंटल में भी इंप्रूवमेंट कर रही है लगातार, तो आप सोच भी नहीं सकते बहुत बड़ा जैकपॉट हो सकता है ये। बाकी देखो, मार्केट कैपिटल कोई ज़्यादा नहीं है, 50 करोड़ के आसपास की मान लो, लगातार कंपनी बहुत मेहनत कर रही है, बट स्टॉक भी इसका बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पर मिल रहा है अभी। और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी, अगर अब तक अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को कर रहे हो मिस, क्योंकि मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट शॉर्ट कॉल होते हैं जो आपको 1 से 3 दिन के अंदर 5 से 10% का बढ़िया रिटर्न देते हैं। कुछ मैंने सिस्टम बनाया है, उसके बेस पर मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ। तो जाओ, इसे लिंक से क्लिक करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोस के बारे में। तो कंपनी ने अपनी अभी क्या करी है, डेप्ट रिड्यूस करी है, बोल सकते हो कि कंपनी का लगभग ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। और लायबिलिटी है इसके ऊपर थोड़ा सा, देखो ये निकल कर आ रहा है इसका नेगेटिव पॉइंट, बट ओवरऑल कंपनी एक प्रॉफिटेबल है और अपने आप को बता दिए कि हम अच्छे खासे इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपका भी कोई क्वायरी हो तो आप लोग बताया करो। अब आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, जो हमारा स्टॉक है, ये स्टॉक जो है हमारा मुथूट फाइनेंस, HDFC AMC, बजाज होल्डिंग, बजाज फाइनेंस, इन सब में ही लिस्ट में आ रहा है। अब ये स्टॉक देखो, कल को ये समझो ये सारे स्टॉक भागेंगे, आप लोग जानते हो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, तो कल को हमारा BLB क्यों नहीं भागेगा? भाई कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो ये भी भाग सकता है ना। तो आप लोग भी एक बार इसे अपने रडार पर रखें और एनालिसिस भी अपनी ज़रूर करें। अब देखो इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट,
जब आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आओगे ना, तो आपको इसका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाया है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो पहले माइनस चल रहा था, लेकिन कंपनी अब कुछ सालों से मेहनत लगातार बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं मे बी इन फ्यूचर ये स्टॉक बहुत बड़ी एक आग के साथ प्रॉफिट के साथ फटता हुआ दिख सकता है। और हाँ, अगर ऐसा हुआ, इस कंपनी के तिमाही जितने भी हमारे क्यू के नंबर रिजल्ट्स आते हैं ना, अगर वो ब्लास्ट हुआ तो आप लोग सोच भी नहीं सकते ये स्टॉक कितना ज़्यादा भाग सकता है। मुझे अच्छा लग रहा है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करा, अच्छा लगा इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोग देख सकते हो कंपनी का देखो नेट प्रॉफिट भी अभी बढ़ा है, काफ़ी सालों से लॉस में चल रही थी कंपनी, बट अब लग रहा है कि कंपनी अपनी इंप्रूवमेंट कर रही है और अच्छा जाता हुआ दिख सकता है। देखो एक बार अपनी रिसर्च करना पेनी स्टॉक, मैं आपको बता रहा हूँ रिस्की भी होते हैं, एक बार अपनी आप लोग एनालिसिस भी ज़रूर करना। और डेप्टर डेज देख सकते हो कि भाई 0-0 है, तो ये भी कंपनी की मेहनत ही है जो कंपनी अपने ऊपर कर्जे में नहीं आना चाह रही अभी। बाकी सबसे ज़्यादा इसका बढ़िया पॉइंट मुझे लगा प्रमोटर होल्डिंग, देखो लगातार कंपनी अपने स्टेक बढ़ा रही है, तो ये भी प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है। देखो 70% से ज़्यादा प्रमोटर के पास होल्डिंग पड़ी है, तो कुछ ना कुछ स्टॉक को इनके अंदर पोटेंशियल इन लोगों को नज़र आ रहा है और मुझे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी, मुझे कंपनी अच्छा लग रही है। फ्यूचर में अगर ये अपना प्रॉफिट ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक भी बन सकता है। तो आई होप आपको ये पेनी स्टॉक काफ़ी पसंद आया होगा, एक बार कमेंट में आप लोग भी अपने इसके ऊपर व्यू दे, रेटिंग दे, आपको स्टॉक कैसा लगता है। और अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद।